मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 24 जनवरी 2023 और आज बहुत ही स्पेशल डे है, खास करके मेरे लिए। और अब ये स्पेशल डे कौन सा है ये आप लोग वीडियो देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा स्पेशल डे है, जो कि हर हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आप जब वीडियो देखेंगे पूरी मेरी तो आपको आगे पता चलता जाएगा। ये दिन आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो स्पेशल डे है उसकी तैयारी शुरू हो गई है, यानी कि अभी बच्चे स्कूल देखते हैं। आज बारिश हुई है हमारे यहाँ पर, तो बच्चों को स्कूल भेजने का मन नहीं है और ये स्कूल जाएंगे, तो इनके लिए मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नहा करके पूजा करके आ गई हूँ और जो हमारे लिए स्पेशल डे है उसके लिए मैंने भगवान का आशीर्वाद ले लिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल चीज़। स्पेशल क्या, सबके यहाँ बन चुकी होगी चूँकि हम बना रहे हैं और बन भी चुकी है हमारे यहाँ पर। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर गाजर का हलवा। ये देखिए, गाजर मैंने रात में कस ली थी और इधर बॉल में आलू बनाऊँगे अभी सैंडविच, तो बच्चे भी नाश्ते में खाएंगे, बच्चे उठ गए हैं और ये भी ले जाएंगे और खाना बनाऊँगी आज मैं दोपहर में, और शाम को देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर मैं सैंडविच बनाने जा रही थी, तो सैंडविच के लिए आलू मैंने सुबह ही जल्दी बॉयल होने के लिए रख दिए थे और उनका भरता भी तैयार कर लिया मैंने, और टमाटर प्याज वगैरह खीरा ये सब मैंने कट करके रख लिए थे। और नहा के आने के बाद में सीधा मैं सैंडविच बनाने लग गई थी पूजा करने के बाद में। तो बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था तो बच्चों के लिए मैंने जल्दी जल्दी से एक सैंडविच तैयार कर दिया। फिर बाद में जो रुद्र और लक्ष्य है उनके लिए मैंने बिना मिर्च का सैंडविच बनाया था, क्योंकि रुद्र हमारा टमाटर प्याज वगैरह कुछ खाता नहीं है, प्याज खाता है केवल, टमाटर खीरा नहीं खाता है। तो उसके लिए मैंने केवल प्याज का और आलू की स्टफिंग करके बनाया था सैंडविच, और पनीर लगा दी थी थोड़ी सी। और जो और बच्चे थे तो उनके लिए मैंने सब चीज़ ये देखिए, ये बन गया गर्मा गर्म सैंडविच और मीठी सॉस के साथ मैं जा रही हूँ बच्चों को देने। आ जाओ प्रांजल बेटा, बच्चे खाएंगे क्योंकि ये आदित्य प्रांजल इनकी भी गाड़ी आने वाली है। आ जाओ लो, तुम दोनों लोग खा लो, मैं अभी और सीख रही हूँ बच्चों। हाँ खा लो जल्दी, गाड़ी प्रांजल है अच्छा लग रहा है, खा लो गाड़ी आ जाएगी नहीं तुम्हारी। अभी रुद्र हमारा टमाटर नहीं खाता है, खीरा नहीं खाता, तो उसके में मैं टमाटर और खीरा नहीं लगाऊंगी, केवल प्याज लगाऊंगी और पनीर लगाऊंगी। और ये वाला है हमारे रुद्र का, जो कि ये कट नहीं करने दे रहा, कह रहा मैं ऐसे ही खाऊंगा। आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म सैंडविच, और चाय बन रही होता चाय के साथ में, बच्चों को मैंने सॉस के साथ में दे दिया था उन्हें। अभी मैं इनकी चाय कर दूं। ये लीजिए चाय के साथ में गर्मा गर्म सैंडविच पनीर वाले, खा लीजिए आकर के चाय के साथ में गर्मा गर्म सैंडविच। और ये आज स्पेशल डे है उसके लिए बनाए हैं, बच्चों के लिए भी, सब लोग खुश खा करके खुश हो गए, बच्चों को तो बहुत पसंद आए हैं। कैसे बने सैंडविच? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छे। और आज स्पेशल डे कौन सा है? अरे ठीक है, जो भी है ठीक है। और ये बनाए किसने, उसको तो थैंक यू बोलो, सुबह सुबह इतनी अच्छा ब्रेकफास्ट बना खिला रही हूँ बेटा। बहुत बड़ी मेहनत की है भाई, इनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। जबरदस्ती की तारीफ करवा रही हूँ मैं नहीं, अच्छा बनाया, अच्छा प्रयास था। आज सर्दी बढ़ गई है, इन्हें देख करके लग रहा है हमारे यहाँ सर्दी बढ़ गई, वाकई में सर्दी बढ़ गई है, बारिश हुई है रात में। तो ये जा रहे हैं स्कूल और पूरे कवर होकर के जाना ही चाहिए, बाइक से जाते तो बहुत हवा लगती है। 14 किलोमीटर है यहाँ से, काफी दूर है। मम्मी मैं पापा के स्कूल। पापा के स्कूल क्या करोगे जाके? तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, और आज स्पेशल डे की स्पेशल डिशेस भी बनेंगी जो कि आपके साथ में शेयर करेंगे, और देखते हैं कैसे सेलिब्रेट होता है ये डे। सेलिब्रेट होता है कि ऐसे ही अपना नॉर्मल, हर साल तो ऐसे ही नॉर्मल जाता है हमारा दिन,
और सेलिब्रेशन कोई मायने नहीं रखता, बस एक दूसरे का साथ बना रहे जीवन भर का, ये सबसे बड़ी खुशी होती है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग साथ हैं और आगे हमेशा ऐसे ही साथ बने रहें। यहाँ पर मैंने सुबह गाजर का हलवा बनाया था, तो मैंने कढ़ाई खाली नहीं की थी, तो मैं गाजर के हलवे को बाउल में पलट रही थी कढ़ाई खाली करके साफ करने के लिए। थोड़े से काजू कट करके रखे थे, थोड़े से बादाम, ये मैं इसमें डेकोरेट कर दे रही हूँ इसको। ये बन करके तैयार हो गया मेरा गाजर का हलवा, बन गया गर्मा गर्म गाजर का हलवा। चल चल दवाई लगा, कोई बात नहीं, पक जाएगा, चुप रहे। तब तो तुमने बताई भी तो नहीं मम्मी को। मम्मी मैंने बता दी। हाँ तो चोट लगी तुम्हें? चोट थोड़ी ना लगी, बस सही हो जाएगी। तो इंजेक्शन लगे क्या खाओगे वो मंगा देंगे, क्या खाओगे डोसा खाओगे? चुप 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 चुप, ज्यादा चोट सही हो जाएगी वो तो। मत रो समझे, ज्यादा चोट नहीं बिल्कुल। बात नहीं मानते ना, इस वजह से लगी है। अब बस एक दूसरे की कंप्लेंट मंगाई है, मटर पनीर की सब्जी और सब अकेले ही बनाया है मैंने, हो गई। और ये बनाया मैंने गाजर का हलवा, ये मैंने सुबह ही बना लिया था, बनाई है। आज इन्होंने कुछ सरप्राइज पार्टी रखी है जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है। और ये सरप्राइज पार्टी किस चीज की है, यही लेके आए हैं इन्होंने, सुबह से नहीं बताया, अभी शाम के टाइम गए और केक लेकर के आए। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है दोनों की और 8th एनिवर्सरी है इन्होंने छोटी। हमारा तो कोई, मेरा तो कोई मन नहीं था क्योंकि रुद्र की चोट लग गई थी, तो ये बोले, मैंने कहा रुद्र की फेवरेट मंगा देते हैं कुछ। हैप्पी 8th एनिवर्सरी। तो ये बोले नहीं, केक लेके आते हैं और रुद्र का नुस्खा भी लाएंगे। हाँ काट लेना, रुक जाओ। अभी केक काटेगा कौन? मैं। सब लोग काटेंगे, रुद्र भी काटे, भैया भी काटेगा, पापा भी काटेंगे, आप भी काट। हाँ सब लोग काटेंगे। कौन काट रहा है? लच काटेगा। हाँ बच्चों के काटने का बड़ा शौक है। बस बस एक एक बार कट करो। हाँ ये किसका केक मंगाया आज, क्या है? एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी का केक काटता कौन है? पापा। मैं। हाँ आप तो बर्थडे का। बस 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 बस, नहीं इसको काटते नहीं है। पापा जी खिलाते आओ, ये पापा जी की एनिवर्सरी है ना, लीजिए आप लोग खा लीजिए हमारी एनिवर्सरी का केक, आप लोगों के लिए है और जिसकी एनिवर्सरी है उसे खिलाऊंगी मैं। सबको खिलाए थोड़ा थोड़ा। सब लोग टेस्ट कर, केक वगैरह कोई कुछ मायने नहीं रखता, केक कटिंग वगैरह ना ही सेलिब्रेशन, बस एक दूसरे का साथ बहुत मायने रखता है। और ऐसे ही हम दोनों का साथ जीवन भर का बना रहे, जब तक रहे तो आप लोग हमारे हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आप लोग भी हमें शुभकामनाएं दे सकते हो और दीजिए। और इस बार मैं आप लोगों से कहूंगी नहीं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग अपने आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपका मन करे, अच्छा लगे ब्लॉग, तो आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। बच्चे भूखे, मैं सबको केक दे रही हूँ और अभी मैंने जो खाने बनाया है।
आप लोगों ने अंकल जी को बोला हैप्पी एनिवर्सरी। चलो आप सबको केक खिलाते हैं। ये एनिवर्सरी पार्टी नहीं, बर्थडे पार्टी लग रही है क्या? इसका स्वाद दुगना हो गया, केक का स्वाद दुगना हो गया क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से खिला दिया तो इसका टेस्ट बढ़ गया। वैसे इतना टेस्टी नहीं था ये केक। प्लेटमेंट लगा दी बच्चों की, मैं खाना दे के आ रही हूँ। बच्चे भूख के हो गए हैं, काफी देर हो गई, मुझे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम हो जाएगा। और ये एनिवर्सरी की थाली है जो बच्चों को लेके जा रही हूँ मैं। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए हमारी एनिवर्सरी का। लो बेटा, डोसा नहीं है। लो तो खिला दे, मसाल खाओ, मैं दे रही हूँ ना सबको। डोसा तो नहीं है, डोसा नहीं है, क्योंकि जब सब लोग थे इसलिए चलाया था। किसने खाया? सबको बोले ले आओ मसाल बना दे, सबको खा ही नहीं मसाल, और खा ले पूरी खा ले रख दूं। ये वाली प्लेट में नीचे आंटी जी को देने जा रही हूँ। क्या है बेटा? मैं दे आऊंगी, नहीं फैल जाएगी आपसे। मैं जा रही हूँ नीचे। क्या बेटा? आपसे फैल जाएगी प्लेट। चलो आओ पकड़ो पकड़ो, चलो अंधेरा हो रहा नीचे। देखो आपको खाना खिलाने के बाद मैं जा रही हूँ खुद खाना खाने, और इन्हीं की प्लेट में बची हुई पूड़ियाँ वगैरह मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। लो खा लो। कौन लाया ये मिठाई? पापा। अच्छी लग रही है आपको? मंगा दिया घर? टेस्टी टेस्टी पे टेस्टी है। लो बेटा, बस 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 कपड़ों पर लटक के तो खत्म हो गया। क्या हो गया? स्टैचू बन गए। और खाना वाना खा करके सब फ्री हो गए हैं और सोने की तैयारी होगी। बच्चे सो भी गए हैं इसलिए मैं धीमे धीमे बात कर रही हूँ और वीडियो। अब मैं भी सोने जा रही हूँ, सोने की तैयारी करने जा रही हूँ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर देना। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।